जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे जयपुर से कोलकाता या कोलकाता के किसी स्टेशन तक जाने वाली ट्रेनों के बारे में है। आज हम जानेंगे कि वह कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो जयपुर से कोलकाता की यात्रा को करती है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इन ट्रेनों में वो कौन कौन सी सुविधाएं रहती है जो आपको इन ट्रेनों में मिलेगी। इन सब की जानकारी को हम आपके साथ में साझा करेंगे, तो बस वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहिए द रेल नॉलेज। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जयपुर से कोलकाता तक जाने वाली पहली ट्रेन कौन सी है। तो दोस्तों जो सबसे पहली ट्रेन है वो है 12495 बीकानेर कोलकाता टर्मिनल प्रताप एक्सप्रेस। यह एक वीकली ट्रेन है जो गुरुवार को सुबह 11:30 पर जयपुर से चलती है और शुक्रवार को दोपहर 1 बजे कोलकाता में पहुंचा देती है, जिसमें आपको 25 घंटे और 35 मिनट का समय लगेगा, जो कि 1511 किलोमीटर की जर्नी को यह ट्रेन कवर करेगी। इस ट्रेन में आपको खाने पीने की सुविधा में ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग मिल जाएगी। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। इस ट्रेन में आपको LHB कैटेगरी के कोच मिलेंगे, जिसमें आपको AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर और अनरिजर्व्ड कोच मिल जाएंगे। प्रताप एक्सप्रेस के अलावा 3 ट्रेनें और हैं जो कोलकाता या कोलकाता के किसी बड़े स्टेशन तक जाती है, जिसमें जो दूसरी ट्रेन है वो है 12308 या फिर 22308 जोधपुर बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट। यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन बीकानेर से और हफ्ते में 4 दिन जोधपुर से चलती है, जो सुबह 4:55 पर जयपुर से चलती है और दूसरे दिन सुबह 4:55 पर हावड़ा में पहुंचा देती है, जिसमें यह ट्रेन 24 घंटे का समय लेती है। इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच रहता है, जिसमें आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, और इसमें LHB कैटेगरी के कोच मिलेंगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल सीटिंग मिल जाएगी। जो तीसरी ट्रेन है वो है 12316 उदयपुर सिटी कोलकाता अनन्या एक्सप्रेस। यह ट्रेन एक वीकली ट्रेन है जो सोमवार सुबह 9 बजे जयपुर से चलती है और मंगलवार को दोपहर 3 बजे कोलकाता में पहुंचा देती है, जिसमें यह ट्रेन 29 घंटे और 35 मिनट का समय लेती है और 1706 किलोमीटर की यात्रा को यह ट्रेन कवर करती है। यह ट्रेन सवाई माधोपुर के रास्ते से जाती है। इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी और LHB श्रेणी के आरामदायक कोच इस ट्रेन में रहते हैं। जो चौथी ट्रेन है वो है 12988 अजमेर सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन अजमेर से सियालदह तक चलती है, जो जयपुर से रोजाना 2:40 पर चलती है और दूसरे दिन दोपहर 3:50 पर सियालदह में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन भरतपुर के रास्ते से जाती है, जिसमें यह ट्रेन 25 घंटे का समय लेती है और 1513 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। खाने पीने के लिए इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच रहता है और आरामदायक LHB कोच इस ट्रेन में रहते हैं। तो दोस्तों ये थी जयपुर से चलकर कोलकाता या कोलकाता के किसी बड़े स्टेशन तक जाने वाली सभी ट्रेनों की छोटी सी जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक में शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।